हे गाइस, मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सिंधी रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है फोटे बुगी खिचड़ी। फोटे बुगी खिचड़ी बहुत ही लाइट वेट और हेल्दी होती है। ये टेस्टी भी बहुत ही होती है। जब भी हल्का खाने का मन हो तो बनाएं यह फोटे बुगी खिचड़ी। यह आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो दही, आलू या फिर किसी भी दाल या साइड डिश के रूप में भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम हमारी लाइट वेट, हेल्थी एंड टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिया है 1/3 कप राइस एंड 1/4 कप मूंग दाल, और 1 से 2 टीस्पून घी ले लेंगे। जीरा लिया है और काली मिर्ची, 3 से 4 इलायची लेंगे और 1 चम्मच के करीबन नमक ले लेंगे। यहाँ मैंने चावल और दाल को मिक्स करके धो लिया है। एक हांडी में हम घी डाल देंगे। घी के गर्म होने पर इसमें हम जीरा और जो हमारी इलायची है वह कूट कर डाल देंगे। इलायची हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है और जीरा भी तड़क चुका। इस स्टेज पर हम इसमें दाल और चावल जो हमने बिल्कुल धोकर अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं, इन्हें डाल देंगे। इन्हें हल्का सा भून लेंगे। तेज आंच पर ही भूनना है फ्रेंड्स। और जितना हमारा राइस और दाल है उससे ट्रिपल हमें पानी लेना है, यानी 1 लोटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लेना है। मैंने पानी ऐड कर दिया है भूनने के बाद, और इसी में मैं सॉल्ट डाल दूँगी। आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें वेजीज भी डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं। पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है। फिर हम इसे 10 मिनट तक दम पर रख देंगे। ढक्कन लगाकर दम पर रखना है। ये देखिए पानी सूख चुका है। इस स्टेज पे मैं इसे ढक्कन लगाकर दम पर रख दूंगी। यह हमारी खिचड़ी बिल्कुल दम लगने के बाद तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं। इसे हम पापड़, दही, शाही भाजी और आलू के साथ खा सकते हैं, या आप इसे साइड डिश के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये फोटे बुगी खिचड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।